बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का चौथा दिन आज है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे के बाद जाएंगे गोरखपुर क्लब, बदलता परिदृश्य पत्रकारिता संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति का है संगोष्ठी कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज 2:45 पर हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एयरपोर्ट से एनडीएमसी सेंटर भी पहुंचने का है कार्यक्रम। तो 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का चौथा दिन आज है। सुबह 10 बजे के बाद गोरखपुर क्लब जाएंगे, बदलता परिदृश्य पत्रकारिता संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति का ये संगोष्ठी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर 2:45 पर हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एयरपोर्ट से एनडीएमसी सेंटर पहुंचने का भी सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। 2 दिन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे का चौथा दिन है, जहां सुबह 10 बजे के बाद गोरखपुर क्लब जाएंगे। इसके अलावा पत्रकारों से भी चर्चा करेंगे। तो बदलता परिदृश्य पत्रकारिता संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति का ये संगोष्ठी कार्यक्रम है, जिसमें पत्रकारों के साथ चर्चा करेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे, क्या कुछ अधिक अपडेट सीएम के कार्यक्रम को लेकर? देखिए बिल्कुल उदय, आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 दिन के दौरे पर हैं। जिस तरीके से अभी सुबह 10 बजे कह लीजिए कि जो बदलता परिदृश्य जो पत्रकारिता संगोष्ठी कार्यक्रम है, उसमें शामिल होंगे तमाम जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, उनके संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनसे चर्चा करेंगे। साफ तौर पर आपने देखा होगा कि लगातार में जिस तरीके से लगातार जो पत्रकारों का निधन हुआ था, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी में भी उनको उनके परिजनों को 2,50,000 रुपए का चेक देकर यहाँ पर लोगों को उनकी मदद की थी। साफ तौर पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पत्रकारिता क्षेत्र की अगर बात करें, तो लगातार जो पत्रकार के जो कार्यक्रम है, या कह लीजिए कि लगातार जो उनके समस्या उनको जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते हैं, अपनी जो है अपनी जानकारी साझा करते हैं। साफ तौर पर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:45 पर हिडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के। वहां पर भी कई डोर टू डोर कार्यक्रम लगे हुए हैं। उसके बाद एयरपोर्ट से जो है एनडीएमसी सेंटर यहाँ पर पहुंचेंगे, वहां पर भी उनका कार्यक्रम है। उसके बाद 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। अगर बात करें अविनाश, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, तो बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? क्योंकि आने वाले समय में अगर बात करें तो निकाय चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या चुनावों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी? देखिए 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। बैठक से पहले आपने देखा होगा कि लगातार उत्तर प्रदेश पे जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय, वहां पर भी बैठकें हुई। इसके बाद एमएलसी की जो 5 सीटें हैं, उनको भी लेकर मंथन चल रहा था। बीजेपी कार्यालय पर यहां पर बैठक भी थी। तो इसको लेकर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो संगठन के लोग हैं, ये कह लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, इस तरीके से तमाम बैठकें कर चुनावी रणनीतियों को साझा कर रही है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो या फिर अभी जो 5 सीटों पर एमएलसी चुनाव की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें उस तरीके की पूरी रणनीति बनाने का काम करी जाए। जी अविनाश, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो बदलता परिदृश्य पत्रकारिता संगोष्ठी कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे।